अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा काम लेकर आई हूँ। काम तो मैं रोज़ाना ही ज़बरदस्त लेकर आती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अच्छा काम लेकर आई हूँ। अच्छा तो बच्चों, अब हम अपनी जल्दी से किताब को खोल लेते हैं, क्योंकि वो काम हमें किताब में ही करना है। ठीक है, तो अब सब जल्दी से अपनी उर्दू की प्रियर 2 की किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलेंगे। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास आ गया हमारा सफ़ा नंबर 56। अच्छा, तो और यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरें हिदायतें दी हुई हैं, जो के हैं पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, नहीं लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें तारीख दी हुई है, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। रो हम हर सफ़े में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो तस्वीरें हिदायतें दी हुई हैं, जो कि पहली थी पढ़िए पेंसिल फेरिए, दूसरी क्या थी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं, सबको नज़र आ रही होंगी, और हमें पता है ये क्या है। ये पंखे बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे बने हुए हैं, हम इनको गिन लेते हैं ये कितने हैं, ठीक है। एक, सब मेरे साथ गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पंखे, पाँच पंखे, मतलब यहाँ पर हमें ये पाँच पंखे दिए हुए हैं। और जनाब, ये बड़ा सा बना हुआ आ गया पाँच, ये है पाँच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पाँच पंखे दिए हुए हैं। अच्छा भाई, तो अब हमने इसको पढ़ लिया, तो अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इसमें पेंसिल फेरेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है बड़ा सा पाँच, इसमें पेंसिल फेरेंगे, और नीचे हमें कुछ छोटे छोटे पाँच नज़र आ रहे हैं, उनमें भी पेंसिल फेर देंगे। और पेंसिल फेरने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, ख़ुद से लिखते हैं। तो ये जो हमें कुछ नुक्ते बने हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हम ख़ुद से लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये काम ख़त्म हुआ। हमें आज की क्लास में बस इतना ही काम करना था, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, पाँच के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं कल इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी सरगर्मियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।